नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने का रायता। और पुदीने का रायता के लिए मैंने ये सामग्री ली है। मैंने थोड़ी सी ताज़ा पुदीने की हरी पत्तियाँ ली है, और दो हरी मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, ये काला नमक लिया है, और ये जीरा लिया है, जीरा पाउडर लिया है, और ये सादा नमक लिया है, ये दही लिया है, दही को हमने फेंट कर रख लिया है। अब मैं ये हरी मिर्ची दोनों गैस पर सेक लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ज़रा गैस ऑन करके हम मिर्चियाँ सेक लेंगे। इस तरह पलट पलट कर हम इसे सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए, इस तरह पलट दीजिए, हमारी मिर्चियाँ सिक चुकी है और मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं पुदीना और मिर्चियाँ दोनों डालकर मिक्सी में पुदीना पीस लूँगी। ये देखिए, पुदीने को पीस लिया है, और इसके अंदर ही मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। दोनों को मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पीस लिया। अब मैं इसको दही के अंदर डाल दूँगी। देखिए, इस तरह दही के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, हमने इसके अंदर पुदीना और हरी मिर्ची पीस कर डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च लाल मिर्ची डालूँगी। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी और आधी चम्मच काला नमक डाल दिया, आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, और आधी चम्मच सादा नमक डाल दिया। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। और देखिए, हमारा पुदीने का रायता तैयार है। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल बनकर रेडी है। और आप मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।